वहीं डेंगू के खिलाफ दिल्ली सरकार ने फॉगिंग का महाअभियान शुरू किया है, जिसके तहत आप विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में फॉगिंग पर अभियान को आगे बढ़ाया। ग्रेटर आश में स्वर्द्वाज, राजेंद्र नगर में राघव चड्डा तो बुराड़ी में विधायक संजीव झा ने फॉगिंग अभियान को आगे बढ़ाया और MCD पर निशाना साधा। रिपोर्ट देखिए। डेंगू के खिलाफ आपका महाअभियान, आप नेताओं ने जगह जगह की फॉगिंग, आप कार्यकर्ता और निगम पार्षद भी आए आगे। दिल्ली से डेंगू को जड़ से खत्म करने की कोशिश। दिल्ली में डेंगू को जड़ से खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी ग्राउंड पर उतर चुकी है। डेंगू के खिलाफ आप नेताओं ने फॉगिंग का महाअभियान शुरू किया है। इसके तहत सभी विधायकों ने अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्रों में फॉगिंग की है और MCD के दावों की पड़ताल की है। आप प्रवक्ता और ग्रेटर कैलाश से विधायक सौरभ भारद्वाज ने अपनी विधानसभा क्षेत्र में फॉगिंग के अभियान की शुरुआत की। उन्होंने निगम पार्षद पूजा जाखड़ और आप कार्यकर्ताओं के साथ फॉगिंग अभियान को आगे बढ़ाया और क्षेत्र का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने MCD पर निशाना साधा। देखिए, आज 27 अक्टूबर से सारी की सारी दिल्ली की 70 विधानसभाओं के अंदर डेंगू के खिलाफ फॉगिंग का अभियान हमने शुरू किया है। 62 विधायक जहां हमारे हैं वहां पर, और जहां जहां हमारे चुने हुए पार्षद है वहां पर, और जहां पर हमारा संगठन है, चुना हुआ विधायक नहीं है वहां पर, संगठन जो है इस फॉगिंग का काम करेगा और एक हफ्ते तक लगातार हम फॉगिंग करेंगे और दिल्ली का एक एक मोहल्ला, एक एक गली जो है हम इससे कवर करेंगे। वहीं राजेंद्र नगर विधानसभा से विधायक राघव चड्ढा ने भी अपनी विधानसभा क्षेत्र में फॉगिंग की। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्र का जायजा लिया और BJP पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब BJP ने दिल्ली वासियों से मुंह फेर लिया है तो अब ये जिम्मेदारी भी केजरीवाल सरकार अपने ऊपर उठा रही है। वहीं बुराड़ी विधानसभा से विधायक संजीव झा भी अपनी विधानसभा क्षेत्र में फॉगिंग महाअभियान को आगे बढ़ाते हुए देखे गए। संत नगर मेन मार्केट से फॉगिंग अभियान की शुरुआत की गई। आप कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में शामिल होकर फॉगिंग अभियान को आगे बढ़ाया। राजधानी दिल्ली में लगातार डेंगू के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसी को खत्म करने के लिए दिल्ली सरकार ने अब एक मुहिम चलाई है। बड़े ही युद्ध स्तर पर फॉगिंग का अभियान आज से शुरू कर दिया है। मैं इस वक्त बुराड़ी के संत नगर में मौजूद हूँ और यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से खुद यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने फॉगिंग की यहाँ पर एक जो है मुहिम को शुरुआत की है। आप देख सकते हैं पूरे लाव लश्कर के साथ यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं इस मेन मार्केट में पहुँच रहे हैं। वहीं बुराड़ी विधानसभा संजीव झा ने MCD पर निशाना साधते हुए कहा कि बारिश के बाद जगह जगह पानी भरा हुआ था और MCD की तरफ से यहां कोई ध्यान नहीं दिया गया, ये एक तरह की साजिश भी है। देखिए, मुझे ये लगता है कि एक साजिश भी है कि अगर डेंगू फैलता है तो इससे सरकार की बदनामी होती है। मुझे लगता है कि BJP राजनीति करती रही है। अभी हमने जानकारी इकट्ठा की कि क्या डेंगू के छिड़काव का सारे संसाधन के पास है या नहीं है, तो जानकारी ये मिली कुछ किलो दवाइयां हैं उनके पास बस, तो इसका मतलब है कि वो छिड़काव नहीं कर सकते। तो ऐसे में अब आम आदमी पार्टी के सभी वॉलंटियर्स ने ये जिम्मेदारी ली है कि मशीन्स लेकर के गली गली जाएंगे, डेंगू का छिड़काव करेंगे और लोगों से अपील भी करेंगे कि अपने घर की साफ सफाई रखें। वहीं आप कार्यकर्ताओं ने MCD पर निशाना साधते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि MCD की तरफ से फॉगिंग नहीं कराई जा रही है, जिसके चलते बुराड़ी में लगातार डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और वायरल फीवर जैसी बीमारियां फैल रही हैं। MCD की विफलता, 15 साल से MCD के पार्षद लूटने और खाने में मस्त, जनता त्रस्त। आज आम आदमी पार्टी को ये कदम उठाना पड़ा। जी, आप देख रहे हो पिछले 15 साल से जो भाजपा शासित भ्रष्ट निगम है वो साफ सफाई तो छोड़ो, जब डेंगू का प्रकोप दिल्ली में आता है तो ठीक से फॉगिंग और डेंगू मलेरिया की दवाइयां तक छिड़काव करने में असमर्थ रहता है। तो उसी चीज़ों को देखते हुए, बढ़ते प्रकोप तो देखते हुए डेंगू के, पूरी दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से डेंगू इस टाइम फैल रहा है उसको देखते हुए आम आदमी पार्टी ने ये बीड़ा उठाया। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से डेंगू को भगाने का बीड़ा उठाया है। अब देखना होगा ये अभियान कितना कारगर साबित होता है।
जनतंत्र टीवी के लिए दिल्ली से निखिल कुमार और नसीम अहमद की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।